हेलो फ्रेंड्स, ट्रेंडिंग की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। लोग आज लुसेंट का सेट 7 नंबर देखेंगे। यहाँ आज का पहला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित, यहाँ धर्म होगा, धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? इसका राइट आंसर होगा सुभद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन है? इसका राइट आंसर होगा नालंदा। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? इसका राइट आंसर होगा पावापुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता गुफा का संबंध किस धर्म से है? इसका राइट आंसर होगा बौद्ध धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता की, यहाँ एक और इंफॉर्मेशन जान लेते हैं, ये अजंता की गुफा महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? इसका राइट आंसर होगा बिंबिसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? इसका राइट आंसर होगा प्रजापति गौतमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारनाथ में बौद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म समाज के निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला था, निम्न वर्ग कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा आपका महिला और शूद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा वैशाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक किसे माना जाता है? इसका राइट आंसर होगा घोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागार्जुन कौन था? एक बौद्ध दार्शनिक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म के 24 तीर्थंकर, यहाँ का नाम क्या है? 24वें तीर्थंकर का नाम क्या है? 24वें यहाँ होगा, 24वें तीर्थंकर का नाम क्या है? तो ये महावीर है, ये बौद्ध धर्म के अंतिम तीर्थंकर थे, फर्स्ट तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, केवल शब्द का संबंध किस धर्म से है? जैन धर्म से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कौन है? तो इसे 14 पूर्व। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो भी इसमें क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं वो पीसीएस, सीएसएल या एनटीपीसी के क्वेश्चन है, ये काफी महत्वपूर्ण है और किसी भी एग्जाम के लिए प्रीवियस क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए इस सीरीज को हम लोग चला रहे हैं कि जितना से जितना जल्दी हो सके एक रिवीजन लुसेंट का किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, आजीविक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मखील गोसावी। इसका राइट आंसर होगा भागवत धर्म के विकास में किस विदेशी का महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है? इसका राइट आंसर होगा हिंदू यूनानी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
महावीर के प्रथम शिष्य का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा जामिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिरत्न सिद्धांत का संबंध किस धर्म से है? तो इसका राइट आंसर होगा जैन धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्श्वनाथ से संबंधित स्थल कौन है जो जैन सिद्धांत क्षेत्र माना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा समेत शिखर। ये क्वेश्चन आपका यूपी पीसीएस में पूछा गया है, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है काफी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख कौन बनना चाहता था? इसका राइट आंसर होगा देवदत्त। हेलियोडोरस का बेस नगर का विलेय संदर्भित है? तो इसका राइट आंसर होगा वासुदेव में। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ये भी पीसीएस का क्वेश्चन है, प्रीवियस क्वेश्चन है। यहाँ जो भी क्वेश्चन कराया जा रहा है वो कहीं ना किसी एग्जाम में पूछा हुआ है, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि इस क्वेश्चन का रिपीटेशन होगा ही। यूपीएससी और पीसीएस का क्वेश्चन ही सीजीएल हो या किसी स्टेट लेवल का एलडीसी हो, सीजीएल हो, उसमें पूछा जाता है, इसलिए जितना से हो सके इसका रिवाइज करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की थी? इसका राइट आंसर होगा सातवाहनों ने। सातवाहनों ने भी प्रीवियस क्वेश्चन है आपका यूपीपीसीएस का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सायदवाद का सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा जैन धर्म। ये भी एक इसका संप्रदाय था सायदवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेतांबर संप्रदाय का संस्थापक किसे माना जाता है? इसका राइट आंसर होगा अस्तुल भद्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन होगा आज का, प्रथम जैन सभा का आयोजन किस स्थान पर किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा पाटलिपुत्र। तो आज हम लोगों ने काफी महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चन किए जो लुसेंट के पीसीएस सीजीएल और एनटीपीसी से पूछे गए हैं। यही क्वेश्चन आपके बिहार दरोगा जो बिहार में 10+2 मेंस होने वाला है उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसके लिए अगर वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक और शेयर जरूर करें। आज का क्वेश्चन अब तक डे देखते हैं, आज का क्वेश्चन अब तक डे के रूप में क्वेश्चन आपके सामने है, गालो जनजाति का संबंध किस राज्य से है? ये गालो जनजाति आज काफी महत्वपूर्ण एडिटोरियल में इसका चर्चा था, इसलिए इसके बारे में जानना जरूरी है। आपके सामने ऑप्शन दिए, चार ऑप्शन दिए हुए हैं, ए में अरुणाचल प्रदेश, बी में मणिपुर, सी में असम और डी में मेघालय। तो इसका आप राइट आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। पिछले क्वेश्चन ऑफ द डे का राइट आंसर होगा पक्के टाइगर रिजर्व आपका अरुणाचल प्रदेश में है, ये काफी महत्वपूर्ण है। ये भी आपका यूपीपीसीएस 2007 का क्वेश्चन है। तो आज का वीडियो हम लोगों ने देखा, इसमें काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो सारे प्रीवियस क्वेश्चन थे। हो सके तो दोस्त इसका ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करें। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। ओके, थैंक यू।